गो संरक्षण का भाव लिए मंगलवार को शहर में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय गो कृपा कथा की शुरुआत हुई। कथा से पहले पोस्ट ऑफिस चौराहा स्थित फटफटी जीनिंग परिसर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी शामिल हुए। गो कृपा कथा और कलश यात्रा को लेकर शहरवासियों में उत्साह का माहौल नजर आया। कथा को लेकर आयोजन समिति ने घर घर आमंत्रण दिया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में सनातनी धर्मावलंबी कलश यात्रा में शामिल हुए। शाम 6 बजे शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं युवतियां कलश शिरोधार्य कर शामिल हुई। शोभा यात्रा में आगे आगे श्रृंगारित गाय आकर्षण का केंद्र रही, जबकि युवक ने धर्म ध्वजा लिए यात्रा की अगुवाई। सुसज्जित बग्घी में गो कथा वाचक साध्वी सुश्री श्रद्धा गोपाल सरस्वती दीदी विराजित होकर आशीर्वाद देते चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। पूज्य सरस्वती दीदी, आज जो गौ माता के ऊपर 7 दिवसीय जो ये कार्यक्रम करने वाली है, न केवल बीसा निमास समाज अपितु पूरे सनातनी धर्म के लिए करा जा रहा है, इसलिए सभी बहुत जोर शोर से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सभी हिंदू एक साथ दिखे, एक साथ काम करें। सुबह करें। भारतीय संस्कृति पर 3 आधार है, गंगा, गौ और ज्ञान। इस पर आधारित आज खरगोन नगर में पहली बार गौ कृपा कथा पर बहुत ही सुंदर सा 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए परम पूज्या साध्वी सुश्री श्रद्धा गोपाल जी यहाँ पधारे हुए हैं और आज उनका भव्य स्वागत सारे खरगोन के हिंदू समाज ने किया है। और आज की जो रैली है, उस कलश यात्रा में हमारे अधिक से अधिक हिंदू सनातनी बहने कलश यात्रा लेकर यहाँ से इस हनुमान मंदिर से निकलकर राधा कुंज तक पहुँचेगी और राधा कुंज में प्रतिदिन 7:30 बजे से 10:30 बजे तक 3 घंटे की ये कथा होगी। इस कथा का अलग में लाभ लेने के लिए हमारे हिंदू सनातनी जितने भी यहाँ के समाज बंधु है, वे सारे के सारे लोग पधार रहे हैं और लोगों में बड़ा ही इस यात्रा को लेकर, इस कथा को लेकर बड़ा उत्साह है, उमंग है और इसकी तैयारियां खूब जोरों से चल रही है। राजेश महाजन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।